रैंपस स्कूल जहां होती है पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन, जैसे CA फाउंडेशन, CUET और JEE नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहां है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैंपस स्कूल, नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। इधर आइए, इधर आइए। साहब कहाँ भैया? यशु साहब कहाँ आए? उस चैम्बर में आके सॉरी 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 जी। काजल निशा जी हैं, लोकसभा प्रत्याशी गोरखपुर। हाँ ठीक है, ठीक है। भैया नमस्कार। नहीं जी, ठीक है सर, हम लोग पत्रकार हैं। चलिए ठीक है, रख दे। हाँ ठीक है, रख दे, रख दे। करूंगा फिर कार्रवाई बहुत सख्त हो। ये देखिए, ये नंबर से फोन आया है, एक्सपर्ट जान ली। अरे आया होगा तो बता दिया ना कि इसलिए बुलाया गया था कि आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, नहीं हम लोग करेंगे, जाइए। तो ऐसे तो हर गांव में आप सूचित करेंगे ना? हर गांव में सूचित, तो हर गांव के लोग तो नहीं आए। हर गांव का नहीं, इनके यहाँ पोस्टर लगा था, इसलिए पोस्टर लगा था, इन्होंने नहीं लगाया, इसीलिए तो बता दिया गया, इनके सामने लगा था। हाँ सर, ये नंबर कहाँ के है? प्रणाम, कहाँ के नंबर है सर? अच्छा अच्छा, कौन बोल रहे हैं? प्रमोद जी बोल रहे हैं, बुलेरिया थाने का है, ठीक ना? हाँ, तो ये भाई को आपने फोन किया था? क्यों फोन किया था भैया? बैनर पोस्टर का यहाँ आवश्यक मत लगाइए। आपने क्या कहा कि थाने में हम नहीं आ रहे? ये चीज हम नहीं कहिए, ज्यादा राजनीति कर रहे हो नहीं सर, बात तो समझ रहे हो कि तुम्हारी भीड़ से हम उतर रहे हैं, भ्रम में जिंदा हो। ठीक है, आपको कैसे पता चला कि इन्होंने बैनर लगाया? तो आपने इन्हीं को फोन किया, तो हर गांव में बैनर आपके सामने पोस्टर होगा लगा, बताए होंगे? तो वो तो आपका काम है, आप ढूंढिए ना कौन लगा रहे बैनर, उनको करिए फोन। ठीक है, आप कहाँ पर है? आप कांस्टेबल जी कहाँ पर है? मैं यहाँ पे सर के ऑफिस में, यहाँ आइए, आइए। ठीक है, चलिए देखिए सर, ऐसा यही निकल गया, बता दिया ना। सुनिए पहले, भीड़ हटा भाई गेट पर से। चलिए भीड़ नहीं है, क्यों नहीं हट रहा हूँ? चलिए बाहर, इस तरह से बात नहीं, ये थाने के हसर देख रहे हैं, इस तरह से बात नहीं। संविधान को ये लोग खत्म कर रहे हैं, संविधान की कसम खाकर पुलिस वाले बनते हैं, संविधान की कसम खाकर नौकरी करते हैं कि भाजपा के गुंडों के लिए नौकरी बनते हैं, ये इस तरह से हड़काने का काम कर रहे हैं। शांति रखिए, भैया चोट लगा कर ना है, ऐसा है कि संविधान को ये खत्म कर रहे हैं, संविधान हमारे लिए खत्म हो जाएगा तो क्या हालत होगी सबकी, ये मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ। संविधान के दायरे में रहकर हर कोई काम करे, यहाँ हर कोई आजाद है अपनी बात करने के लिए। कहेंगे हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे गांव वाले, तो क्या उन पर कार्रवाई होगी? अगर कहेंगे कि हम कमल का बटन दबाएंगे, तो क्या ये लोग पहुँचेंगे वहाँ पर? शासन प्रशासन पहुँचेंगे कि भाजपा का आना वर्जित है, तो ये किसी की गलती है? जाकर पता करे ना सर, पता करे कि किसने लगाया पोस्टर। आचार संहिता का उल्लंघन अगर कोई भी करेगा सर, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो चाहे समाजवादी के लोग हो, लेकिन गांव वालों को प्रताड़ित करेंगे ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, कोई प्रताड़ित नहीं है, आप गलत आरोप कर रहे हैं। आपको खुद अपना संविधान, अपना नियम कानून जांच करनी है। गलत मैटर को टिप्पणी मत करें, संविधान के हिसाब से आप जितना बता रहे हैं, मैडम आपकी बात में बता दूं, चोरी चोरा काम आचार संहिता उल्लंघन कोई ना करे, कोई मैटर नहीं, आचार संहिता उल्लंघन करेंगे सख्त कार्रवाई होगी। कोई नहीं कर रहा शशि भैया, ठीक है, कोई नहीं आचार संहिता उल्लंघन कर रहा, बस गांव वही समझाने के लिए बुलाया गया, सबके लिए लागू होना सबके लिए तो गया, ठीक है, छोड़ दिया गया, प्रताड़ित ना किया जाए, किसी को छोड़ दिया गया, आप बताइए। थोड़ा एक आदमी छूट नहीं है,
चाहे कोई होगा आचार संहिता उल्लंघन करेगा बहुत सख्त कार्रवाई होगी। चाहे भाजपा का होगा, हाँ चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, इससे मतलब नहीं है, पार्टी से मतलब है नहीं, पार्टी हम लोग पार्टी के लिए नहीं है, हम लोग तो निष्पक्ष काम करते हैं। आपको राजनीति करना है, घूमकर राजनीति करिए, हाँ एकदम स्पष्ट बता दें, यहाँ होगा यदि सही नहीं होगा गलत करेंगे सख्त कार्रवाई करूंगा। कोई नहीं, ओके, थैंक यू।